तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने गेम रोकवेड की तब इसका रिकॉर्डिंग तो हो गया पर इसका जो गेम का साउंड है वो रिकॉर्ड नहीं हो। पता नहीं मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ क्या होता जा रहा है कि ये ग्लिच हो जा रहा है। पर ये गेम प्ले पूरी स्टोरी टाइम पर है तो मैं आपको इसको स्टोरी टाइम की तरह ही दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मजा, क्योंकि पूरा स्टोरी टाइम पर जाने वाला है वीडियो, तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो पहले तो मेरे गेम का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट सीन में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गम या दुख में होता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा होता है कि वो गैंगस्टर तो था पर अब नहीं है। तो उसके साथ ऐसा हुआ कि जब वो गैंगस्टर की दुनिया में से निकल गया पर उसका कोई दुश्मन होगा उसने उसको कॉल किया, कॉल करके बताया कि भाई मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को भी मैंने ही मारा है, भाई तू जो कर सकता है वो कर। पर उसने भी एक ट्विस्ट डाला कि मैं तुझे मारना चाहता था पर लग गई तेरी गर्लफ्रेंड को गोली। तो ये बात सुनकर वो गैंगस्टर भी भड़क जाता है, भाई तूने क्यों मारा, ऐसा सब कुछ सीन हो जाता है। तो उसने कहा था भाई तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, पर हम भी कम नहीं थे तो हमने भी कह दिया भाई तू भी अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। तो हम अब जाने वाले उसके पास उसका खात्मा करने के लिए, और थोड़ी बहुत धमकी दे रहा है हमको पर हम उसकी धमकी तो कान पर नहीं लेके चले जाते हैं। तो गाइस आप इस गेम का करेक्टर मतलब कि मेरे गेम का जो करेक्टर है उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो भी आप देख सकते हो, मतलब कि बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी है, इसके लिए उसका बदला लेगा। अपना भी हमारे पास पैसे भी नहीं कि हम अच्छी गन भी खरीद ले, हम सब कुछ करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे वैसे सब कुछ कमाना पड़ेगा हमको। पहले तो मैं जाता हूँ इस सिटी के सबसे बड़े खबरी के पास, वो खबरी के पास जाकर मैंने उसके साथ बात करनी है, क्योंकि जहाँ से मैं बात करूँगा तो ही मुझे पता चलेगा उसका एड्रेस का पता। पर एक खबरी भी बहुत ही ज़्यादा चालाक है, क्योंकि ऐसे तो अपना काम करेगा नहीं। तो इसके लिए साथ मैंने बात की है, अपने पास 15 पेटी मांग रहा था। तो मैंने जैसे तक बात करके उसको कहा कि भाई नहीं भाई मैं 15 पेटी तो नहीं दे पाऊँगा, 10 पेटी दे पाऊँगा, और 10 पेटी में से मैं जा रहा था, पर मैंने 5 पेटी की भी बात की थी पर नहीं वो माना नहीं, तो इसीलिए मैंने 10 पेटी डन कर दी है। पर मैं कैसे भी करके पैसे तो कमाऊंगा ही, मैंने उससे बात की है और मैं वापस ज़रूर आऊँगा, ऐसा भी वादा तो मैंने उसको कर ही दिया है। तो अब मुझे पैसे तो कमाना पड़ेगा, चलो जल्दी। जब मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था तब मैंने एक बंदे की टैक्सी ले ली और टैक्सी चला के मैंने सोचा कि मैं पैसा कमाऊँगा, और मेरे लिए अभी के लिए बढ़िया था क्योंकि मैं टैक्सी चला के गन लूँगा और बाद में ऐसे ही पैसे कमा लूँगा। मैंने पहले ही गैंगस्टर की दुनिया छोड़ दी, पर मेरा माइंड अभी पूरा गैंगस्टर की तरह था। मैंने सोचा कि मैं गन लेके सबको डरा के पैसे लूँगा, क्योंकि और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, और मैंने इतना पैसा तो मुझे मुश्किल था। पहले तो मैंने इसको ही मार डाला क्योंकि इससे आगे इन्फॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक गन सेलर था जो कि मेरी बात कहीं भी बता सकता था, इसीलिए मैंने इसको ही मार दिया। अब मैं आराम से सिटी में से पैसे लूट पाऊँगा। सब लोग मुझे पूरा समझ रहे थे क्योंकि मैं सबके पास पैसे लूट रहा था, पर मेरे भी कोई मजबूरी थी इसीलिए मैं ले रहा था, मुझे भी अपना बदला लेना था इसीलिए मैं ले रहा था। पर उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, और पुलिस भी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। अब मेरे पास भी एक ही चारा था कि मैं अभी यहाँ से भागूँ और कोई सेफ जगह पर जाकर छुप जाऊँ 2-3 दिनों के लिए, बाद में वापस से निकलूँगा। जैसे पुलिस का चैप्टर क्लोज हो गया वैसे ही मैं अपने खबरी के पास वापस गया, और उससे मैंने वापस से बात की कि भाई मेरे पीछे ऐसा सीन हो गया था पुलिस का, तो इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, पर मैं पैसे तो पूरा लेके ही आया हूँ इस बार। तो उसने कहा कि भाई ये बढ़िया है भाई, तू पैसे लाया है तो अब तेरा काम हो जाएगा। तो उसने मुझे सवाल किया कि भाई क्यों चाहिए तुझे खबर, तो मैंने उसके बारे में कोई रीज़न बताया तो उसको नहीं है, पर अभी वो मुझे पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा है क्यों मुझे वहाँ पर उसकी खबर चाहिए, पर मैं उसको बताऊँगा तो नहीं। तो अभी तो मैं उसके हाथ में पैसे दे देता हूँ और बात अपनी ख़त्म करता हूँ जल्दी, और ये उसका 10 पेटी उसको मिल गया, और अब वो उसने मुझे उसका पता बता दिया है। तो उसने कहा कि मैं अपने मोबाइल से लोकेशन सेंड कर रहा हूँ और तुम वहाँ लोकेशन पर जा लेना, मतलब मैंने पैसे भी दे दिए हैं अब तो, अब ने उसने लोकेशन भी सेंड कर दिए। तो अब मेरे दिमाग में एक ही आइडिया था, अब उसको मारना है कैसे भी करके मैं उसको मारूंगा। तो अब मुझे बदला भी लेना था इसलिए मुझे मारना तो पड़ेगा ही, पर मुझे उसने एक वार्निंग भी दी है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गार्ड है, तो इसलिए जितनी हो सके उतनी सेफ्टी मैं बना के जाऊँ वहाँ पर,
तो मैंने सोचा मैं भी और थोड़े पैसे कमा लूँगा और बाद में जाऊँगा थोड़ी बहुत गन लेके, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी दिक्कत हुई तो मेरी गन काम में आ जाएगी। गन बन सब कुछ मैंने बाय कर लिया और मैं फाइनली उसके टापू पर तो पहुँच ही गया था। तो अब मुझे जाना था उसका, मतलब कि वो कहाँ है उसको ढूंढना है। यहाँ पर ही कहीं वो है पर मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अभी आपको दिखने में छोटी लग रही होगी पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो इसको अभी ढूंढने के लिए मुझे भी अपने पहले को सोल्व करना पड़ेगा, पर इसमें भी ट्विस्ट आएगा वो तो मुझे पता ही था, ये मेरे दिमाग में पहले ही चल रहा था। तो मैं यहाँ पर ऊपर तो आ गया था पर कोई यहाँ पर बचाओ बचाओ ऐसा चिल्ला रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कहाँ से चिल्ला रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कोई कहाँ से चिल्ला रहा है। तो मैं इधर उधर देख रहा था, तब मेरे ध्यान पड़ा नीचे एक कमरा है तो वहाँ पर एक लड़की बैठी थी जो कि वो चिल्ला रही थी कब से बचाओ बचाओ ऐसे। तो मैंने भी सोचा चलो मदद कर ही देता हूँ। तो मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, पर उसने मुझे वो जवाब देने से इनकार किया और उसने पहले कहा कि मुझे यहाँ से छोड़ो। तो मैंने भी चलो मैंने अभी उसका कहना मान लिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी अभी। तो उसको मैंने जल्दी जल्दी कहा कि जल्दी जल्दी चल, पर वो जल्दी चलने को तैयार ही नहीं थी भाई, आराम से चल रही थी जैसे कि उसके पग में मेहंदी लग गई हो। ये क्या चीज़ है भाई, मैंने ये सोच के दिमाग में से हटा दिया और मैंने उसको कहा कि भाई जल्दी चलो क्योंकि यहाँ से जल्दी निकलना भी था। और उसने कहा कि वो एक खबर भी बताएगी, बहुत ज़्यादा खास होगी वो खबर, पर पता नहीं वो क्या बताएगी मुझे अभी तक पता नहीं। और हम दोनों मेरा हेलीकॉप्टर लेके वापस सिटी जा रहे हैं क्योंकि सिटी में जाते वक्त वो रास्ते में बता देगी। और उसने मुझे ये भी सवाल किया कि भाई तुझे हेलीकॉप्टर चलाना आता है, मैंने कहा चलाता नहीं पर उड़ाना भी आता है। तो चलो अब सिटी की ओर बढ़ते हैं। और उसने हेलीकॉप्टर मुझे एक शानदार बात बताई, आप लोग सोच रहे होगे क्या, तो उसने मुझे ये बताया कि वो अभी बाहर है, मतलब कि बाहर के शहर में, यहाँ पर नहीं है। तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई बाहर के शहर में वहाँ जाकर मुझे मारने में कोई दिक्कत तो नहीं है, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे पास अभी पासपोर्ट मतलब वीज़ा नहीं है। तो उसने भी कह दिया कि भाई नहीं वीज़ा नहीं तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि उसके पहचान में कोई है जो वीज़ा बना देगा मुझे, मतलब कि फेक वीज़ा बना देगा। तो मैं अभी उसके पास जाता हूँ जल्दी से क्योंकि मुझे फेक वीज़ा भी बनाना है और मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं वीज़ा वाले को आराम से दे दूँगा इतना। उस लड़की ने मुझे कहा, मैंने उसको पूरी बात बता रहा था, उस लड़की ने मुझे ऐसा कहा कि यहाँ पर मुझे फेक वीज़ा मिल सकता है। तो वो भी भाई थोड़ा बहुत लुड़खड़ाने लगा क्योंकि उसको भी पता था भाई ये तो मेरी बैंक है भाई, इसको ऐसे कैसे जाने तू। तो ऐसे कह के उसने मुझे कहा कि इतने पैसे लगे दो, मैंने भी उसके मुँह पे मार दिए भाई ये ले भाई इतना पैसा और मुझे तू बना दे। पर उसने ऐसा कहा कि भाई तू थोड़ी देर रुक, चाय पानी पियो, रेस्ट कर, ऐसा तब तक मैं बना के तुझे देता हूँ। तो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा करते हैं रेस्ट क्योंकि तब तक हम थोड़ा यार हाँ। तो थोड़े टाइम बाद उसने मुझे बोला है कि भाई तेरा वीज़ा कंप्लीट हो गया है, तो अब मेरे को बेंगलोर मतलब बेंगलोर ही बताया था शायद उसने, वहाँ पर है बेंगलोर के कुछ नाम बताया था पता नहीं क्या। तो अब मैं इजीली जा पाऊँगा, वो मुझे आराम से पता चल जाएगा बाद में, तो वहाँ पर अब मैं इजीली जाकर उसको मार पाऊँगा। फाइनली सो गाइस यहाँ तक ही वीडियो थी, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट पार्ट कभी आएगा, तो इसमें भी गाइस इसमें भी गेम वालों ने ट्विस्ट दिया कि नेक्स्ट पार्ट का, क्योंकि भाई अभी तक उसने पार्ट टू मतलब कि जो पार्ट टू या अपडेट वो अभी तक दिया नहीं है। तो जब अपडेट आ जाएगा या पार्ट टू उसने लॉन्च कर देगा या अलग ही गेम पूरे पार्ट टू की, तब वो भी खेलेंगे। और अगर आपको यहाँ तक की पसंद आई हो, इसमें सब कुछ हिंदी में बात कर रहे होंगे तो आपको ईजिली समझ भी आ जाएगी। और अगर आपको ये गेम खेलनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो वहाँ जाकर खेल पाओगे। बाकी तो कुछ काम की बात नहीं थी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे लाए वो भी मुझे बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, मतलब टॉपिक ना मतलब कि कौन सी गेम पर ऐसा, हाँ तो कौन सी गेम पर लाए वो भी मुझे बता देना। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। सो गाइस मेरी और एक चैनल है तो उसके लिंक भी मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप मतलब किसी ओडी की वीडियो देख पाओगे तो वो भी देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना। बता रहा हूँ कमेंट सेक्शन आपके लिए, बता देना आराम से भाई कौन सी गेम की वीडियो लाए वीडियो।